या पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हम सबों के लिए एक बेहतरीन दिन है कि इससे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज हम लोग इस तरह का जो संवाद है, इस तरह का जो अधिवेशन है उसको कर पा रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से जो GSC के पदाधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो उसका टेक्निकल टीम है बधाई के पात्र हैं। और आज मैं आप सबों के बीच में जो कुछ खास टॉपिक मुझे मेरे जहन में पैदा हो रही थी उस टॉपिक को लेके बात करना चाहता हूँ कि आज वर्तमान समय में आदिवासियों को बोलना और कलम की ताकत को समझना क्यों महत्वपूर्ण हो गया है। दोस्तों, मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, मानव अपने आप को ज़्यादा तर्क शक्ति का विकास करते हुए साथ ही साथ जो एक नई रूप नई तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। जब आप कुछ इतिहास के पन्नों में आप पीछे जाइएगा तो वही चीज़ में अगर कुछ किसी चीज़ के लड़ाई में जो हथियार उपयोग होते थे उसको और आज वर्तमान समय में क्या उपयोग हो रहा है उसमें तुलना करने की आवश्यकता है। तो आज की वर्तमान परिस्थिति में कोई भी लड़ाई बिना बस बाहुबल की शक्ति से नहीं जीती जा सकती। लड़ाई से मेरा मतलब है जो राजनीति में स्थान हासिल करने की लड़ाई हो, या फिर अपनी बातों को मनवाने की लड़ाई हो, या फिर संविधान में जो इंगित है हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए उन अधिकारों को हासिल करने की लड़ाई से है। तो आज हमें किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए हमें बहस को जीतने की शक्ति होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ जो अभी की वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए क्या चीज़ हम अपना सकते हैं उन सारी तकनीकों को अपनाते हुए लड़ने की आवश्यकता महसूस होती है। हमें ऐसे तो हमारा इतिहास जो है आदिवासियों का इतिहास है सदियों पुराना है, परंतु यह हम देखते हैं इन्हें तो यह हमारे जो साहित्य थे, हमारे जो इतिहास थे वे मौखिक थे, उनको हम कागजी रूप नहीं दे पाए। इसी कारणवश जो हमारा जो इतिहास है, हमारा जो पहचान है, हमारा जो साहित्य में जगह मिलना चाहिए, उन सारी चीज़ों को जो साहित्य में जगह नहीं मिल पाया है। तो आज अगर हम बात करें तो आदिवासियों का जो कोई भी शैक्षणिक हो या शैक्षणिक संस्थान हो या फिर प्रशासनिक संस्थान हो या फिर राजनीतिक जगह है, वहाँ पे अगर हम लोग रिपोर्ट तलाशते हैं तो हमारे आदिवासी या हमारे जो जनजाति परिवार से हैं कितने लोग हैं और कितने प्रतिशत में हैं। वैसे हमारे हम जानते हैं कि पूरे भारत देश में 7.5 से 8% के बीच में आदिवासी निवास करते हैं, लगभग 18 करोड़ की संख्या में। तो अगर हम पूरे देश की स्थिति को देखें तो हमें विनम्रता होती है कि एक लोकतांत्रिक देश में जिसमें संविधान में भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया था, उस जो प्रतिनिधित्व हमें नहीं मिल पाया है। तो वर्तमान सिचुएशन को हमें देखते हुए आज विशेषकर गोंडवाना छात्र संघ के साथ साथ जो यूथ हैं, कोई भी यूथ हो, मैं ट्राइबल के किसी भी यूथ की बात करना चाहता हूँ, आज उन्हें जो है उस ताकत को पहचाननी होगी, उस प्लेटफॉर्म को पहचाननी होगी किसके माध्यम से हम जो है अपनी लड़ाई को जो है उसको जीत सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी वर्तमान में अगर देखें जैसे अमेरिका की बात को ले लें, वहाँ पे एक अश्वेत की हत्या पर पूरा जो देश है वह दहल उठता है। वे लोग अलग अलग जगह पे आंदोलन करने लगते हैं और सरकार तक को भी नतमस्तक कर देते हैं, ये कैसे हो पाता है। और उसी के जगह पे हमारा देश भारत में दिनों दिन प्रत्येक दिन जो शोषण का शिकार होकर महिलाएं मर रही हैं या फिर अनेक तरह के जो शोषण है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, उससे लोग अपने आप को मरने के कागार पर पहुंचा दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे चू तक का आवाज नहीं उठ पाता है, क्यों, समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करें जो हमारे जो भारत का लोकतंत्र में 4 स्तंभ जिससे हम कहते हैं, चाहे वह न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या फिर हम बात करें कार्यपालिका हो, या फिर मीडिया हो, हमें सोचने की आवश्यकता है और देखने की आवश्यकता है, रिपोर्ट को तलाशने की आवश्यकता है। 4 स्तंभ जिसे हम कहते हैं वहां पे हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व कितना है और वे लोग कितने स्तर तक आवाज पहुंचा पा रहे हैं और उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, इस सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और जब मैं इन सारी रिपोर्टों को तलाशने का प्रयास कर रहा था तो मुझे देखकर विनम्रता हुई
कि जहाँ जो लोकतंत्र हमें हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, पांचवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची, साथ ही साथ विभिन्न तरह के मौलिक अधिकार देकर हमें विभिन्न तरह के अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी हम उस प्रतिनिधित्व को, अपनी आवाज को वहां तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हमें देखेंगे कि उन सारी जो व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्था को पालन नहीं के बराबर किया जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे कार्यपालिका में तो हमारे क्षेत्र नहीं के बराबर में दिखेंगे, साथ ही साथ न्यायपालिका में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के मामले में देखेंगे तो कोई भी एसटी नहीं है, कोई भी आदिवासी नहीं है। और उसी तरह से जो देश में जितने भी हाईकोर्ट है वहां भी अगर हम लोग देखेंगे तो आदिवासियों की संख्या एसटी एससी ओबीसी की संख्या नहीं के बराबर है। तो हमें न्याय कैसे मिलेगा जब हमारे लोग ही वहां पे नहीं रहेंगे, हम अपनी बातों को वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमें न्याय कैसे मिलेगी। उसी तरह अगर हम बात करें विधायिका में भी हमारे लोग हैं, परंतु वे लोग गूंगे बहरे की तरह हैं, वे ना तो हमारी बातों को उठा पाते हैं और न ही सही ढंग से उठाते हैं, तो भी सही ढंग से प्रमुखता रूप से नहीं उठा पाते हैं। तो वहां से भी हमें जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, हमारी बातों को जो प्रमुखता से उठाने चाहिए, वो नहीं उठ पाता है। और आगे अगर हम बात करें जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, मीडिया की रिपोर्ट को मैं जब तलाश रहा था तो वहां मैंने देखा कि वहां पे हमारे पूरे देश का जो मीडिया का जो है वहां पे हमारे लोगों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो वहां भी आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमारा जो आदिवासियों का कहें या फिर एसटी एससी ओबीसी का जो कहें, उनका प्रतिनिधित्व गिने चुने के बराबर है। वहां सभी जगहों पे, चारों स्तंभों पर किसी खास तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का ही प्रतिनिधित्व है या फिर उनका वर्चस्व है। तो जो हमारा जो आवाज है, उनका जो फैलाव होना चाहिए, वह रुक जाता है या फिर जो सही तरीके से उनका जो फैलाव होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमें जीएसयू के माध्यम से, गोंडवाना छात्र संघ के माध्यम से, हम सभी युवाओं को एक अच्छा मंच दिया गया है कि यहाँ से हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म जागृत करें और इसके माध्यम से जो है हमें अपने कलमों की ताकत को निखारने की आवश्यकता है और लिख कर लोगों तक जो हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो हमें हमारे जो शोषण किया जा रहा है, उन बातों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। और विशेषकर और दूसरा चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे लोगों में जो हिचकिचाहट पैदा होती है और लोगों के सामने बात करने पर, उन हिचकिचाहटों को भी अभी अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। एक नई रोशनी, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ हमें आने की आवश्यकता है। अगर यदि अभी हम नहीं बोले तो मैं बता देना चाहूंगा कि अगर हम अभी नहीं बोले तो आने वाला जो हमारा भविष्य है, हमारे वाले फ्यूचर जो है, वे गूंगा बहरा पैदा होंगे, वे लोग नहीं कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो साथियों, हमें आज इस गोंडवाना छात्र संघ जीएसयू जो आज हम तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक प्रण लेने की आवश्यकता है, ऊर्जा लेके चलने की आवश्यकता है कि हमें अपने समाज, अपने देश, अपने आदिवासियों की नई दिशा देना है, नई पहचान देना है। इसके लिए हमें कलमों की ताकत को पहचाननी होगी और हमें लिखना होगा, अपनी बातों को पहुंचाना होगा। साथ ही साथ हमें विभिन्न जगहों पर जहाँ पे हमें बोलने का अवसर मिल रहा है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो हमें बढ़ चढ़ कर बोलने की आवश्यकता है, तभी हमारा जो अधिकार है उनको हम हासिल कर सकते हैं। और हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार जो हो रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी, तो उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और एक नई संदेश हमारे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत बधाई इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए। और बहुत सारी बातें कहने को है लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम बहुत सारी बातों को नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबों को। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवान, जोहार।